तो आपको पता होगा यार कि जिम में जैसे आप आते हो और आप वर्कआउट करते हो, चाहे आपका मूड सैड है, गुस्से वाला है, जैसा मर्जी है, जिम वर्कआउट करने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है मूड। इट्स टाइम फॉर द ट्रुथ, अभी इसको खाकर देखते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। एंड कैसे हो आप लोग गाइज? अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। कल रात को सोच के सोया था कि सुबह 9:30 बजे उठ के 10:30 तक अपने फॉर्म वगैरह का जो भी काम रह गया वो सारा कंप्लीट करेंगे, बट यार लेग डे के बाद इतनी ज्यादा फटीक हो जाती है कि रात को बहुत अच्छी नींद आती है और सुबह उठने का मन नहीं करता। और दूसरी चीज यार, रात को 1:30 तो मुझे वीडियो एडिटिंग और थंबनेल बनाते हुए ही लग गया था। लेकिन कोई बात नहीं यार, चलो अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद चलते हैं फिर अपना फॉर्म का जितना भी काम रहता है सारा कंप्लीट करने। चलो गाइज चलते हैं। तो गाइज अभी ब्रेकफास्ट करने लगा था और ब्रेकफास्ट में है कश्मीरी रोटी और मिल्क, ठीक है, साथ में इसमें बटर भी रखा हुआ है। कश्मीरी रोटी, अगर आप लोग जम्मू में नहीं हो तो आपको नहीं पता यार कि कश्मीरी रोटी क्या है, क्योंकि J&K में ही सिर्फ मिलती है ये। बेसिकली मैदे की रोटी बनी होती है। और आप सोचो यार, आप रात को लेग्स लगा के आए हो, इतना इंटेंस वर्कआउट करके आए हो, इतने बड़े मसल ग्रुप का, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मम्मी कुछ प्रोटीन वाली चीज खिलाएगी, और सुबह सुबह भाई मैदा खिला रहे हैं मेरे को। चलो कोई बात नहीं यार, चलते हैं, अभी इसको खाता हूँ, उसके बाद चलते हैं फिर फॉर्म भरने। आज थोड़ा सा लंबा काम भी हो सकता है, आई थिंक थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन चलो जल्दी से चलते हैं। तो गाइज अभी चलते हैं यार फॉर्म भराने। लक्ष्य को फ़ोन किया यार, वो तो उठाया नहीं, उसे सोया हुआ है, जाके देखते हैं अगर वो उठा होगा उसको भी ले चलेंगे साथ में। बाकी यहाँ जाना है बाइक पे, कुलदीप भाई देखो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ। बाकी बाइक यार थोड़ी थोड़ी गंदी हो गई यहाँ से भी और पीछे से भी, देखने में कम गंदी लग रही है वीडियो में, असल में ज़्यादा गंदी है। तो यार इसको भी साफ करेंगे कल या परसों, जब भी टाइम लगेगा। बट चलो यार सबसे पहले अभी निकलते हैं अपना फॉर्म भराने के लिए। चलो गाइज चलते हैं। तो गाइस फाइनली अभी यार फॉर्म फिल कराने आया हूँ। बाल थोड़े से खराब हो जाते हैं मेरे हेलमेट की वजह से, बट कोई बात नहीं यार। लक्ष्य सो रहा था, उसके घर के पास गया था मैं, बट वो सो रहा है तो इसलिए मैंने फिर उसे उठाया नहीं। अभी आया हूँ फॉर्म फिल कराने, फॉर्म फिल कराते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करने को मिलता है। तो गाइस फाइनली अपने फॉर्म वगैरह सारे फिल हो गए हैं, अब बस इनको वेरीफाई कराने जाना है साइंस कॉलेज में। चलो यार इनको वेरीफाई करा के आता हूँ। तो गाइस फाइनली यार अपना सारा काम डन हो चुका है, अपना जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह थे सारे वेरीफाई कराने हैं, वो मंडे को वेरीफाई होंगे। तो यार मैं यहाँ पे ही आके वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज है। चलो यार अभी घर चलता हूँ, घर पे भी अभी काम आ चुका है, घर जाना है मुझे, फिर वहाँ से नहर पे वापस आना है सामान लेकर। चलो यार जल्दी से काम खत्म करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आप सबसे। तो गाइज अभी थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही थी एंड अभी बंद हो गई वैसे, और अभी मेरे को जाना है कुछ सामान देने, यहाँ सामान रखा हुआ है, ये सामान लेकर जाना है, बाइक पे लेकर जाएंगे। चलो यार जल्दी चलते हैं, नहर पे जाना है, वहाँ जाके ये सामान दे कर आना है। तो गाइज फाइनली अभी जिम आ चुका हूँ, मूड थोड़ा ख़राब था यार इसलिए घर पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बट जो भी है यार जिम इज थेरेपी, जैसा मर्जी मूड हो जो मर्जी हो भाई व्लॉग तो करना है। और जिम में आके यार सब कुछ भूल जाता हूँ, जिम में आके सिर्फ ध्यान रहता है कि यार इतना वेट मारना है, इतने रेप्स मारने हैं, इसी सारी चीज़ों में सारा ध्यान जाता है। तो यार अभी वर्कआउट करता हूँ अच्छे से, बढ़िया सा एक वर्कआउट करता हूँ, और चलो यार बाकी मैंने सोचा यार कि अपनी लाइफ जैसी भी है आपको व्लॉग्स में दिखाऊंगा। पहले मैंने स्पेशली ऐसे मतलब दोस्तों का प्लान बना था कि चलो चलते हैं ताकि मेरा व्लॉग इंटरेस्टिंग बने, पर मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, मुझे काम है, जो भी है सब कुछ आपको वही अपने व्लॉग्स के थ्रू दिखाऊंगा। डेली कोशिश कर रहा हूँ वीडियो डालने की, बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो कैसी लग रही है। चलो यार अब चलते हैं वर्कआउट करते हैं, आज मैंने वर्कआउट करना है चेस्ट का और साइड में थोड़ा बहुत ट्राइसेप की एक्सेसरी भी लगा लेंगे, ठीक है। चलो if you ignite he's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen I feed him every day like the bones clean I feed him all the hate and he grows mean he gets claws real big pissed off quick and if you cross him you might drop dead metaphorically of course settling the score never getting bored loves the blood and gore always wanting more feed him from the source they don't really understand until they feel the force departed if you start shit you'll be heartless in the darkness torn apart quick you left scars ripped you'll be chewed up and discarded And this world ain't right, won't accept it Negative energy, I expect it Once it's in your mind, it's infectious So fight for your life and reject it You better give me space, I'm protective My adrenaline spikes when I'm threatened And if you stay in my way, I'm aggressive Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate
गाइस फाइनली अपना वर्कआउट हो चुका है खत्म यार, और अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर आप बिगिनर नहीं हो जिम में तो आपको पता होगा यार कि जिम में जैसे आप आते हो और आप वर्कआउट करते हो, चाहे आपका मूड सैड है, गुस्से वाला है, जैसा मर्जी है, जिम वर्कआउट करने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है मूड। वैसे ही मेरा भी मूड अच्छा हो चुका है, काफ़ी अच्छा वर्कआउट हुआ आज। बाकी अभी जाना है घर, और मैं एक ब्लॉगर देखता हूँ अक्षांशु असवाल 2.0, तो उन्होंने एक अपनी वीडियो में बोला था रिसेंटली कि नेवर लेट परफेक्शन कम इन द वे ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो यार ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लाइन लगी, इसलिए यार मैं तब से सोच लिया कि अब मैं व्लॉग्स रेगुलर बनाऊंगा, मैक्सिमम डेज डेली व्लॉग करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि मेरी वीडियो आपके लिए वैल्यू एडिशन कर रही है लाइफ में या एंटरटेनमेंट कर रही है नहीं कर रही है। सबसे पहले कंटिन्यूटी, साइड बाय साइड इंप्रूवमेंट मैं करता रहूंगा यार, और आप कमेंट में बताया करो किस किस पॉइंट पे मेरे को इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, अभी चलता हूँ घर, घर जाके डाइट लेनी है, थोड़ा सा प्रोटीन शेक वगैरह पीता हूँ और देखता हूँ कुछ खाने को अगर होगा तो खा भी लेंगे। चलो यार चलता हूँ घर, अभी मैं घर जाने लगा था बट सोचा क्यों ना थोड़ा सा कार्डियो कर लेता हूँ। चलो यार कार्डियो करके फिर चलेंगे घर। सो गाइस फाइनली प्रोटीन शेक पी लिया यार, और उसका टेस्ट मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि यार जब आप एक चीज़ ही मतलब डेढ़ महीने से पी रहे हो तो उसका टेस्ट आपको बाद में कैसे अच्छा लग सकता है जब आप उसी चीज़ को डेली कंज्यूम कर रहे हो, है ना। तो यार इसलिए अभी कुछ स्वीट खाने का मन था तो अभी खा रहा हूँ मिष्टी डोई जो मैं कल लेके आया हूँ, एपिगेमिया ब्रांड का है, पता नहीं कैसा होगा भाई। इस पे लैक्टोज फ्री लिखा है, मुझे तो लगा था ये कोई मिल्क प्रोडक्ट होगा, तो मिल्क प्रोडक्ट लैक्टोज फ्री भी होता है, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे तो इतना पता ही मुझे इसे खाना है। चलो यार खाते हैं इसको। ओ भाई खुशबू तो दही जैसी है इसकी, दोई शायद दही को ही कहते हैं। पहले तो इसके ऊपर वाला खाऊंगा भाई, भाई बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब इट्स टाइम फॉर द ट्रूथ, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, अभी इसको खाकर देखते हैं। सबसे पहले तो भाई आप लोग खा लो यार, और अब मैं खाऊंगा भाई, सच में बता रहा हूं ये बहुत बेस्ट है यार, ये सच में बहुत बेस्ट है। ये चीज यार आप ट्राई कर लेना अगर आप बेस्ट प्राइस जा रहे हो या किसी अच्छी शॉप पे जा रहे हो, ये दिख जाए तो मस्ट ट्राई है भाई, बहुत जबरदस्त चीज है यार ये, मतलब बहुत ज्यादा खुशी होती है जब मैं इतनी अच्छी चीज खाता हूँ, बहुत बढ़िया है भाई। मैं तो अब इसको मतलब रेगुलरली खाता पीता रहूंगा, अगली बार जाऊंगा बेस्ट प्राइस तो 6-7 पीस उठा के लाऊंगा, ये जो टेस्ट करने के लाया था। बाकी यार कल भी टेस्ट करेंगे, कल मैं ब्लूबेरी फ्लेवर का जो ग्रीक योगर्ट होता है वो लाया हूँ, वो कल ट्राई करेंगे। बाकी अभी तो इसको एंजॉय करता हूँ मजे से, मम्मी को भी टेस्ट कराता हूँ कैसा लगेगा उनको, उसके बाद फिर देखते हैं यार क्या करना है, उसके बाद मिलता हूँ सबसे। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा अब किया क्या जाए, बोर हो रहा हूँ, और मैगी खाने का डिसीजन कैंसिल हो चुका है, प्लान पोस्टपोन कर दिया है, तो अब समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। एक काम करता हूँ सो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। इवनिंग के 8:10 हो रहे हैं, अभी उठा हूँ सो के, अराउंड 1.5-2 घंटे की नींद ली है, कुछ समझ नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है आज इसके बाद करना क्या भाई। फोन आ रहा है, फोन पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। गाइस खाने लगा हूँ वापस से खीर जो मम्मी ने कल बनाई थी। भाई मेरे को यार मीठी खीर और ठंडी खीर खाने का बहुत मजा आता है, और थोड़ी सी ऐसे डेंस, तो मम्मी ने इसलिए मेरी पसंद की बनाई है। इसमें बहुत कम मतलब दूध रहता है, दूध कम मतलब कि ज्यादा इसके अंदर कंसिस्टेंसी इसकी बड़ी थिक होती है, मुझे ऐसी खीर पसंद है जो मीठी भी थोड़ी जरूरत से ज्यादा हो और ठंडी भी हो, तो यार ठंडी होने के बाद तो अलग ही टेस्ट आता है इसका, तो अभी ठंडी हो चुकी है अब खाने का अलग मजा आएगा। बस यार खाना पीना ही रहता है मेरी लाइफ में, अगर मेरी नॉर्मल लाइफ देखी जाए खाओ पियो जिम जाओ और सो जाओ, तो यार आज के दिन वो भी कुछ ऐसा ही है। बाकी देखते हैं यार और कुछ देखने को मिलेगा तो मिलता हूँ आप सबसे। गाइज रात के बज रहे हैं 9:10 और मुझे नहीं लग रहा है इसके बाद कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा, तो यार करता हूँ वीडियो को यहीं पे एंड, मिलता हूँ आपसे कल के वीडियो में 1 बजे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, बाय।